हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने ही भाई के यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन राजा में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है बेस्ट फैंटेसी है आपके लिए कौन सी है। दोस्तों, आप लोगों का डेली ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिलता है कि राजा भाई आपके अकॉर्डिंग बेस्ट फैंटेसी है कौन सी है। दोस्तों, तो आपको ये जानने पर के लिए आपको मैं दो तीन चीज बोलूंगा, उसको आपको फोकस रखने है। और मैं जिस भी फैंटेसी आपको बोलता हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी उसी ऐप पे जाके खेलो। आपको जो मैं यहाँ पे क्रिटेरिया बताऊंगा उसको जाके उस ऐप से जो है मैचिंग करवाना है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा एप्लीकेशन जो है आपके लिए बेस्ट सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग फाइंड आउट करो बेस्ट फैंटेसी ऐप के लिए, तो सबसे पहली बात आप जिस भी एप्लीकेशन पे खेलते हो, जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास कोई एबीसीडी चार एप्लीकेशन है, ठीक है, एबीसीडी आपके पास चार एप्लीकेशन है। इसमें आप कंफ्यूजन हो कि राजा मैं मुझे किस एप्लीकेशन पे खेलना चाहिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे सारे एप्लीकेशन जो है वो अच्छे दिखते हैं। तो दोस्तों, मेरा अगर कहना मानोगे आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग चारों एप्लीकेशन को ओपन करो, ठीक है। आपके पास चार एप्लीकेशन है या पांच एप्लीकेशन है, मान के चलो ईवी है, जितने भी एप्लीकेशन है उसको आप ओपन करो। पहली चीज आप एप्लीकेशन पे देखो ए नाम के एप्लीकेशन पे अगर आप खेलते हो, तो दोस्तों आप देखो कि इसका कमीशन लेवल क्या है। ड्रीम इलेवन से जाके मैच करो, बाकी किसी से मैच नहीं करना है, ठीक है। ड्रीम इलेवन से जाके मैच करो क्योंकि ड्रीम इलेवन का कमीशन लेवल बहुत ही ज्यादा है। अगर आप अभी भी ड्रीम इलेवन पे खेल रहे हो तो शायद आप मेरे अकॉर्डिंग गलती कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाकर खेलिए, लेकिन ड्रीम इलेवन पे आप जीएल मिनी जीएल के लिए स्मॉल लीग दोस्तों आप ड्रीम इलेवन पे मत खेलिए, क्योंकि वहां पे कमीशन लेवल बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ड्रीम इलेवन पे आपको एक जो अच्छे पैक है उसका मैं नाम बताता हूँ, जिसका चार्जेज है 777, जिसमें आपको मिलते हैं 2000 रुपीज, ठीक है, मिलते हैं ना दोस्तों। वही दोस्तों, आप अगर चले जाओगे, आप जाओगे किसी भी एप्लीकेशन पे, जैसे कि आप मान के चलो विजन इलेवन पे, तो विजन इलेवन पे ये पैक आपको मिल जाएंगे 700 कुछ ही में, 727 के आसपास में, जिसमें अगर आप बोनस यूज करते हो, बोनस यूज करने के बाद आपको मिल जाएंगे 693 रुपीज में, जो कि विजन इलेवन पे बोनस हमेशा रहता है। वही दोस्तों, आप जाओगे 11 चैलेंजर्स पे भी, तो वहां पे भी आपको ये चार्जेस ही मिल जाएंगे, ये चार्जेस में आपको ये पैक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप बताओ जो पैक आपको 693 में मिल रहा है वही आपको दे रहा है ड्रीम इलेवन 777 में। मींस आप नहीं खेलते हो, एक कंटेस्ट खेलते हो तब आप हार भी जाते हो, उसके बाद भी आप तकरीबन प्रॉफिट जो है वो 85 रुपीज का निकाल लेते हो सिर्फ एक पैक में। अगर दिन में दोस्तों 4 से 5 मैच हो गया तो दोस्तों सिर्फ अगर एक पैक खेलते हो तो आप 500 रुपीज सेव कर सकते हो, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी, आपको कमीशन लेवल देख लेने हैं कि भाई हाँ भाई ड्रीम इलेवन पे क्या है, कमीशन लेवल बहुत ही ज्यादा है तो मुझे ड्रीम इलेवन पे बिल्कुल खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी खेलते हो ड्रीम इलेवन पे तो आपकी ये गलती है, बाकी जीएल मिनी जीएल के लिए ड्रीम इलेवन बेस्ट है। दूसरी चीज राजा भाई, आप हमेशा कहते हो कॉम्पिटिशन लेवल के लेके, कॉम्पिटिशन लेवल क्या है, कॉम्पिटिशन लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे किस एप्लीकेशन पे कैसा है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि मान के चलो कि आप किसी एक एप्लीकेशन को उठा लो, जैसे कि एक एप्लीकेशन हो गया दोस्तों यहाँ पे विजन इलेवन का ही नाम ले लेते हैं, क्योंकि हम आज विजन इलेवन आजकल और इलेवन चैलेंजर्स इस दोनों जगह पे ज्यादा खेलते हैं। तो दोस्तों, कंपटीशन लेवल की जब बात करेंगे तो हम जैसे कि मान लो कि बी नाम का एप्लीकेशन है जिसका नाम है विजन इलेवन, क्या नाम है दोस्तों, विजन इलेवन। अब विजन इलेवन जैसे आपके पास एप्लीकेशन है, अब मालूम करो कि भाई इसके बड़े प्रोमोटर्स जो है, सबसे बड़े प्रोमोटर्स वो कौन है। जैसे कि इसके बड़े प्रोमोटर्स कोई एक्स वाई एक्स नाम का बंदा है। अब एक्स नाम का बंदा किसके लिए फेमस है, बास्केटबॉल के लिए फेमस है, क्रिकेट के लिए फेमस है, फुटबॉल के लिए फेमस है, ये आपको नॉर्मली मालूम चल जाएगा। आप जिस भी एप्लीकेशन पे जाओगे, चाहे विजन इलेवन पे जाओगे, चाहे आप जाओगे रियल इलेवन पे जाओगे, माईफैक्ट पे, चाहे आप जाओगे इलेवन चैलेंजर्स पे, आपको ये बात मालूम चल जाएगा। तो आप विजन इलेवन पे जाओगे तो आप इसको फाइंड आउट करो कि इसके जो बड़े प्रोमोटर्स हैं वो कौन से हैं। अगर वो फुटबॉल के स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब है कि मैं उस एप्लीकेशन में फुटबॉल पे कंपटीशन आपको अच्छे दिख जाएंगे, बाकी क्रिकेट पे आपको जो है कंपटीशन बहुत ही कम दिखेंगे। तो दोस्तों, विजन इलेवन पे मैं आपको बता दूं जो भी बड़े एक्सपर्ट है वो स्पेशली आपको दिख जाएंगे फुटबॉल का, और दोस्तों दिख जाएंगे बास्केटबॉल का, ठीक है, फुटबॉल और बास्केटबॉल का आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बड़े एक्सपर्ट। तो अगर दोस्तों क्रिकेट खेलते हो कहाँ पे, विजन इलेवन पे, तो आप आराम से अपोनेंट को बीट कर दोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे जाके खेलो, मैं आपको एग्जांपल बताया हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है। आपके पास और भी कोई एप्लीकेशन है उसका मालूम करो कि प्रोमोटर्स बड़े बड़े कौन से हैं, जो बड़े प्रोमोटर्स हैं वो किस स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, वो स्पोर्ट्स आपको नहीं खेलना, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ तो कमीशन लेवल की बात कर ली, उसके बाद हमने कंपटीशन की भी बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे इसके एक और सी फीचर्स जो होते हैं, सी फीचर्स क्या होंगे। एक एप्लीकेशन में कम से कम आपको ये 5 फीचर्स दिखना चाहिए, कमीशन कंपटीशन लेवल कम होनी चाहिए, कमीशन कम होनी चाहिए। सी में दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टेंट विड्रॉल दे, मींस अगर ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं कि मतलब इंस्टेंट विड्रॉल नहीं देती है, तो विद इन उसको 24 आवर्स में विड्रॉल देना ही है। वो एप्लीकेशन हमेशा चूज कीजिए कि जो आपको 24 आवर्स के अंदर विड्रॉल दे देती है। अगर इससे ज्यादा टाइम लेती है फिर दोस्तों दिक्कतें हैं, तो आपको इन चीजों पे भी याद रखने की जरूरत है। उसके अलावा दोस्तों,
अगर आप किसी एप्लीकेशन पे खेलते हो तो उसका 20 नंबर पॉइंट्स ये देखिए कि कस्टमर सपोर्ट कैसा है। आप उससे किसी भी तरह की हेल्प लेके देखिए, किसी भी कुछ भी पूछ के देखिए आपको वहां से आंसर क्या मिलता है, वो चीज आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको कौन सा एप्लीकेशन ऐसा लगता है जिसका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। वो भी एक फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये फीचर कस्टमर सपोर्ट वाला जो फीचर है वो बहुत ही ज्यादा मायने रख लेता है। पॉइंट दोस्तों जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया सभी एप्लीकेशन के लिए कि भाई देखो ज्यादा से ज्यादा गिव अवे आपके लिए कौन एप्लीकेशन लेके आती है, ठीक है, गिव अवे वगैरह सब आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा लाती है। तो 5 पॉइंट्स के ऊपर आपको दोस्तों बिल्कुल फोकस करने हैं, कमीशन लेवल के ऊपर ध्यान देने हैं, ठीक है, बी में आपको कंपटीशन लेवल देखने हैं, सी आपको जो आपका जो विड्रॉल है मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, या तो दोस्तों इंस्टेंट विड्रॉल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम 24 आवर्स, उससे ऊपर नहीं चलेगा, ठीक है। डी नंबर पॉइंट कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, और ई नंबर पॉइंट गिव अवे वो लगातार दे, ठीक है, गिव अवे देती है इसका मतलब कंपनी अपडेटेड में है, कंपनी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए नया लाने की कोशिश हमेशा करती है। तो इन चीजों को देख के आप लोग दोस्तों अपने आप में फाइंड आउट करो कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट नहीं है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी एक ही एप्लीकेशन के ऊपर टिक रहिए, कम से कम 4-5 एप्लीकेशन अपने पास रखिए। और जैसे कि आपको लगता है कि क्रिकेट का यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है तो क्रिकेट वहां के लिए, आपको लगता है कि बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम है तो बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के साथ यही होगा। मैं दोस्तों स्पेशली आप लोगों क्रिकेट और कबड्डी को टीम प्रोवाइड करवाता हूँ कबड्डी का, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का भी थोड़ा बहुत अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आप लोगों को टीम देने का कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मैं फुटबॉल बास्केटबॉल का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इसको लेकर जब इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ उसके बाद मैं अपना टीम बनाता हूँ। बाकी क्रिकेट कबड्डी में आंख बंद करके आप लोगों को टीम लगा देने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग यहाँ से समझ पाओगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सी हो सकती है, आप लोग जाके जब खेलोगे तब मालूम चलेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं अभी फिलहाल 5-6 एप्लीकेशन जिसको मैं प्रमोट करता हूँ उनमें से पहला है दोस्तों विजन 11, दूसरा है दोस्तों 11 चैलेंजर्स, तीसरा है दोस्तों एक्सेंस 22 जो कि बाय सेल मल्टीबेकर वाले एप्लीकेशन है, अगर खेलते होगे तो आप लोग को मालूम होगा कि वो क्या है। उसके बाद एक एप्लीकेशन है दोस्तों स्पोर्ट्सी, आपका भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वो भी बेहतरीन एप्लीकेशन है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग रियल 11 वहां पे भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, साथ में ड्रीम 11 तो कॉन्स्टेंट है ही, वो जीएल मिनी जीएल के लिए उससे बेहतर एप्लीकेशन मैंने आज तक कभी नहीं देखा और शायद इन फ्यूचर भी मैं कभी नहीं देखूंगा। तो दोस्तों आप लोग जीएल मिनी जीएल जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग ड्रीम 11 में खेलिए, बाकी स्मॉल लीग के लिए आप लोग दूसरे एप्लीकेशन को यूज कीजिए। बाकी मैं भी जिस भी ऐप पे खेलता हूँ उसका मैं आप लोगों को जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके जो है उस एप्लीकेशन में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी जाके आप लोग जो है मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का जो डॉट्स था कि बेस्ट फैंटेसी ऐप आपके लिए कौन सी है, ये शायद आप लोग इस पॉइंट्स बेसिस पे आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, और अगर कर लेते हो तो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाना जिसका लिंक आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के सबसे टॉप कमेंट में मिल जाएगा।